कोटा में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए समाजसेवी अमिल धारीवाल ने करीब 1370 पीपीई किट वितरित किए हैं। आज हम खड़े हुए हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निवास स्थान पर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पास पूरे राजस्थान की नगरीय इकाई की जिम्मेदारी है। सफाई कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जानते हैं और जिस तरह से कोरोना का प्रकोप राजस्थान नहीं बल्कि कोटा में लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक पहल की है और 1370 पीपी किट सफाई कर्मचारियों को मुहैया करवाने के लिए नगर निगम को भेजे गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हो ये वो सफाई कर्मचारी है, ये वो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार शहर को साफ करने का कार्य कर रहे हैं। और शहर को साफ होना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं गंदगी से और किसी प्रकार का संक्रमण ना फैल जाए, क्योंकि लगातार बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को बचाओ ही इसका इलाज है। जिस तरह से लोग सफाई कर्मचारी हो चाहे पुलिसकर्मी हो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करते हैं और कानून की को बेखूबी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, तो ऐसे में जहां पर सफाई कर्मचारियों का मनोबल कमजोर हो रहा था और लगातार बार बार में ये बात सामने आ रही थी कि सर हमारे पास पूरी सुविधा नहीं है और सुविधा ना होने के कारण हम किस तरह से सफाई करें, तो इस तरह की जो समस्या थी उसकी निजात पाने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने एक पहल की। हमारे साथ नगर निगम के आयुक्त वासुदेव मालावत सामने मौजूद है। नगर निगम के आयुक्त से बात करना चाहेंगे, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की किस तरह की पहल है और इसमें किस तरह से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा? सर जैसा कि आप सभी जानते हैं इस महामारी की स्थिति में नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं वो रात दिन मेहनत करके क्वारंटाइन सेंटर हो, आइसोलेशन सेंटर हो, जहाँ मेडिकल स्टाफ या अन्य स्टाफ जो कि इस संवेदनशील ड्यूटी में लगा हुआ है उनके आवास स्थल होटल रेस्टोरेंट और धर्मशालाएँ वगैरह जहाँ भी हैं वो हों या अन्य संवेदनशील जो भी इलाके हैं उनमें सफाई का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए उनके मन में एक भावना थी कि भाई हम बिना किसी सुरक्षा कवच के हम जाते हैं तो कहीं हम लोगों के अंदर ये बीमारी नहीं हो जाए। और इस परिस्थिति में माननीय मंत्री महोदय ने इसका संज्ञान लिया और इन कर्मचारियों के लिए आज 1370 पीपीई किट उपलब्ध कराए हैं। उससे पहले भी माननीय मंत्री महोदय ने प्रत्येक सफाई कर्मचारी को 1000 रुपये सैनिटाइजेशन मास्क आदि के लिए उपलब्ध कराए थे और कर्मचारियों को तनख्वाह भी जो पेंडिंग थी वो भी माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पर हमने सभी कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान भी कराया। साफ तौर पर देखा जा सकता है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार एक नई पहल करते जा रहे हैं और साथ में जिस तरह से उनके पास नगरीय इकाई की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए उनको पता है कि किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किस तरह से लोगों और सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया जाए। हमारे साथ अमित धारीवाल मौजूद है। अमित धारीवाल जी, जिस तरह की ये पहल की है इससे क्या लगता है सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा? जिस तरीके से कोटा के अंदर कोरोना वायरस के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कमी महसूस होने लग गई थी, क्योंकि सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल्स में भी सफाई कर रहे हैं, कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में भी सफाई कर रहे हैं और दूसरे लॉकडाउन एरिया के अंदर जहां जहां पे भी वहां पे सफाई कर रहे हैं, तो इनके अंदर एक भय सा महसूस होने लग गया था कि हमारी सुरक्षा का क्या ख्याल रखा जा रहा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी ने जयपुर से 1370 किट भिजवाए हैं। धारीवाल साहब की प्रेरणा से वहाँ के ओसवाल समाज के जो भामाशाह हैं, अपने बाबूलाल जी डोसी, विमल जी सुराणा, विश्वास जी जैन और रेमंड्स वाले राजीव जी अग्रवाल, इन तीनों चारों ने मिलके और उनके धारीवाल साहब की प्रेरणा से 1370 किट भिजवाए हैं और कोटा के लिए ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर ये लोग किट भिजवा रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए, ताकि इनके अंदर जो निश्चिंतता आ जाए और ये सफाई का जो कार्य है वो निश्चिंत होके करें। निगम कर्मचारियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान धारीवाल साहब रख रहे हैं, सरकार रख रही है, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कोटा की जनता के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें,
हाथ बराबर धोते रहे, जब तक आपका नाम से आप स्वस्थ रहेंगे कोरोना वायरस को तभी अपन हरा पाएंगे। ये थे हमारे साथ अमित धारीवाल, इनका साफ तौर पर कहना था कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है। कद्दावर नेता शांति धारीवाल ने साफ तौर पर जो सफाई कर्मचारी थे उनके लिए एक बड़ी मुहिम चलाई है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए 1370 पीपी किट कोटा के लिए उपलब्ध कराए। कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान में ऐसे सफाई कर्मचारियों के लिए पीपी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से।